आज मैं ब्लॉग पोस्ट खेलूंगा, उसमें नया अपडेट आई है तो मैं खेलूंगा वो नया अपडेट। उस नए अपडेट में इतने सारे पिक्चर्स आ गए थे और फिर नई मैप भी आ गई थी और उसमें बस यही अपडेट्स हैं और कोई अपडेट नहीं है। तो अब मैं खेलूँगा सबसे आयु में ज़्यादा होते हैं तो आयु में उस वो हो जाए आ जाएगा या आइए, लेकिन ये लॉक्ड है, मुझे लॉक्ड के बगैर वाले चाहिए। ये रिया ब्लू टीम में। अब मैं इसे जाऊंगा बात करूंगा, मैं जीरो बंदे मारे, जीरो दफा मारा, वन बंदा मारा, जीरो दफा मारा, टू बंदे मारे, जीरो दफा मारा, टू बंदे मारे, वन दफा मारा। अब मैं इधर से निकलूंगा, उनके स्पॉनिंग वाली जगह पर जाऊंगा, पहले इसको मार, अब उनके स्पॉनिंग वाली जगह पे जाऊंगा मैं, मुझे पता है वो किधर है। जी अब सारों को मार दिया, मैं उनको उनके स्पॉनिंग वाली जगह पे जाऊंगा जो इधर है, इधर भी हो सकते हैं स्पॉन, इधर भी, लेकिन इधर अभी कोई नहीं स्पॉन हुआ क्योंकि मैं टीम में किसी को नहीं मारा इधर से। ये गेम बहुत छोटी थी तो मैं एक दूसरा वाला खेलूँगा, ये गेम तो 59 सेकंड्स की थी। अब आर यू में तो और नहीं मिल रही तो मैं यू में देख लेता हूँ, बी आर में तो सिर्फ एक है, यूएस में भी नहीं है, एसडी में भी नहीं है, आईएन में तो कुछ नहीं है। अब आर यू में तो ये नहीं है ये मैप, तो मैं कोई और मैप ही खेल लेता हूँ, लेकिन टीम डेड मैच होना चाहिए। ये वाला मैंने बहुत देर से भी नहीं खेला हुआ क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसमें तो डिज़ाइन वाले बंदे भी हैं सिर्फ एक, लेकिन वो सिर्फ हमारी टीम में है, दूसरे वाली टीम में कोई डिज़ाइन वाला बंदा नहीं है, नॉर्मल है। इधर भी नहीं है, फोन वाली जगह पर जाकर देखता हूँ, इधर होंगे शायद, क्योंकि इसको मेरी टीम ने मार दिया, अभी मैं जीरो बंदे मारे, जीरो तो मेरा प्रो आ गए, आ गए, नहीं निकल गया मैं इससे गेम से, इसे टीम डेड मैच वाले में चला जाता हूँ। टीम डेड मैच मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं इतनी देर के बाद टीम डेड मैच खेलूँगा। तो इस वाले मैप में छत में जाना होता है और शूटिंग करना होता है और गिरना भी होता है, क्योंकि गिरना तब होता है सिर्फ जब हार रहे होते हैं, तो मैं अभी गिर रहा हूँ, हार रहा हूँ और टाइम भी कम है बहुत। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर में जाऊँगा, ये क्या है, किधर है, मैं नीचे गिरूँगा तो फिर पॉइंट फिर से आ जाएगा, नहीं मैं लीव कर रहा हूँ। आयू जी ये वाला स्नाइपर रीना का सबसे अच्छा मैप है, ऐसे वो रिया नहीं वो नहीं है ये, मैं डैगर लेके उसको मार रहा था,
देखने से मुझे मार भी दिया। उसने मुझे दूसरी टीम की गन ले ली, उसने मेरी दूसरी टीम की वो गन दे दी। और अब मैं ये पता नहीं इससे क्या करूँ, बहुत गंदी गन है ये, क्या इसका कुछ नहीं। ये उसने जीत गया इतनी जल्दी। अब कौन सा खेलूँ मैं, आ रही हूँ ये खेलता हूँ कंटेनर्स। ये मैंने इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं खेला, फिर मैं इसमें हारता जाता हूँ। लेकिन अब मैं टीम डेथ मैच में प्रो हो गया, तो अब मैं यस टू बंदे मारे, जीरो दफ़ा मेरा मैं जीत रहा हूँ। मार दूंगी, हमारी पूरी टीम में पहला बंदा जो मरा है वो मैं हूँ। उनका स्कोर भी है फन, क्योंकि सिर्फ उन्होंने मुझे एक दफ़ा मारा है। अब मैं इसके ऊपर से जाऊँगा। वो क्या कर रहे हैं, मैं इधर छलांग मारूँगा, बस इधर से शूटिंग करूँगी उनकी स्पॉनिंग वाली जगह पे। इसमें कंटेनर्स वाले मैप में रेड के पास टू स्पॉनिंग वाली, एक है ये जो अभी इस पर, और दूसरा है मैं नीचे आके दिखाता हूँ, ये वाला डब्बा इसके पीछे, ये जो रेड वाला मैं उस पर गोलियाँ मार रहा था उसके पीछे था। मैंने छोटा स्कोप लिया हुआ क्योंकि जिसमें और उसके पास भी यहीं वाला क्रॉस हेयर है, इसलिए भी मैंने भी यहीं क्रॉस हेयर लिया। लेकिन वो ज़ीरो दफ़ा मरता को भी मार लेता, डिजाइन वाली गन्स हैं और उसके पास डैगर्स हैं जो असली ब्लॉक पोस्ट में। ओ मेरी गोलियाँ खत्म हो गई, इसको मैं गन दे देता हूँ। ये गन लो मैं मर गया। इधर छलांग नहीं मार सका क्योंकि वो बहुत बड़ी छलांग है, तो अब मैं उधर जाऊंगा। इधर कोई बंदा इधर से कोई शूटिंग, ओह अभी स्पॉन हुआ, मार लेता हूँ पहले। इसने मुझे फिर से मार दिया, इसने 15 बंदे मारे थे, मैंने 13। कैसे, तो अब मैं इसको ऐसे मारूंगा। ये कौन है ठीक है, तो अब ये इधर आ रहा है इधर से। यस मैं 14 बंदे मारे, 5 दफ़ा मरा। इसने 15 बंदे मारे, 4 दफ़ा मरा। बंदे मारे 17 बंदे मारे, 5 दफ़ा मरा। यस मैं जीत रहा हूँ, और हमारी पूरी टीम में सिर्फ एक डिज़ाइन वाला बंदा है जो मैं हूँ, और कोई नहीं है। पूरे गेम में डिज़ाइन वाला बंदा सिर्फ एक है, मैं हूँ। और हमारा स्कोर 50 कैसे हो गया, 13+1 14+15 होता है 29+17 होता है, सोचता हूँ वो मुझे पता चल गया आंसर है 46। तो हमारा स्कोर 46 हुआ, लेकिन इधर तो कह रहे हैं हमारा स्कोर तो 50 हुआ।